दोस्तों आज आपको बताएंगे सूरीनेम का वीजा कैसे आपको मिल सकता है। सूरीनेम का वीजा लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ती है, और दोस्तों आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। और सूरीनेम देश दोस्तों जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, लैटिन अमेरिका की तरफ पड़ता है। और ये देश दोस्तों छोटा सा देश है, लेकिन बहुत सारे हमारे इंडिया से लोग सूरीनेम पहले काफी तो लोग ट्रैवल कर भी चुके हैं, सूरीनेम जा भी चुके हैं, और सूरीनेम का काफी लोगों ने पहले वीजा लिया भी है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले सूरीनेम का जो पहले वीजा हमें मिलता था वो थोड़ा आसानी से मिल जाता था। जो टूरिस्ट वीजा होता था या एंट्री फी वाउचर होता था वो यानी कि 10-15 मिनट में भी पहले हमें मिल जाता था, 1 घंटे के अंदर भी हमें मिल जाता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले कि वो जो सिस्टम था, जो VFS ग्लोबल वेबसाइट पे जाके हमें आगे सूरीनेम की वेबसाइट पे जाते थे, तो वो सिस्टम दोस्तों अब उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन अब जो सिस्टम से हम वीजा अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए एक जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को पहले रिक्वायरमेंट बता देता हूँ दोस्तों। उसके लिए आपके पास 2 से 3 साल की ITR लगेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के प्रूफ लगेंगे, NOC, सैलरी स्लिप। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, GST, और आपका सेविंग है तो सेविंग के 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। करंट है तो करंट की भी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी करंट की भी लगेगी। अगर आप सैलरी आती है, आपकी जॉब प्रोफाइल है तो आपकी जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है तो उस बैंक की आपकी सेविंग की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। बाकी तो होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, थोड़ा सा टिकट, जो रिजर्वेशन टिकट होती है, एक कवर लेटर होता है, डे टू डे प्लान, वो सारा चलो ऑन द स्पॉट आप मौके पे बनवा सकते हो, बना भी लेंगे। तो मेन जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दोस्तों ये है। तो सूरीनेम का और जो सूरीनेम की अम्बेसी फीस है दोस्तों वो है $40, और इसमें प्लस 14 दोस्तों इसके अंदर सर्विस जो चार्ज होते हैं तो उसका चार्ज पड़ता है। तो यानी कि आपको टोटल दोस्तों $54 इसकी जो अम्बेसी फीस है वो तकरीबन इतनी बन जाती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं तो VFS ग्लोबल वेबसाइट पे जाके दोस्तों आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पास दोस्तों पहले आप करते क्या हो, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आप मेरे पास मैसेज भेजिए। अगर आप सूरीनेम का वीजा लेना चाहते हो, सूरीनेम तरफ आप ट्रेवल करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ गाइड के तौर पर आपका वीजा अप्लाई करवाने में। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों उस पे ऊपर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा मकसद है आप लोगों की हेल्प करना। अगर आप सूरीनेम चले जाते हो तो सूरीनेम के बाद आप आस पास की कंट्री और भी ट्रेवल कर सकते हो। जो बोलीविया का वीजा हमें ऑन अराइवल मिल जाता है, या सूरीनेम का वीजा लेकर आप दोस्तों ब्राजील का बाद में वीजा अप्लाई कर सकते हो, बोलीविया का भी ले सकते हो क्योंकि बोलीविया का वीजा भी यहाँ से मिल जाता है। आप इक्वाडोर का वीजा अप्लाई कर सकते हो, चिली, पेरू, निकारागुआ और भी ग्वाटेमाला, बेलीज, सल्वाडोर, मैक्सिको। तो अगर आप साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कहीं पे भी दोस्तों ट्रेवल करना चाहते हैं तो आज की डेट में सूरीनेम का वीजा थोड़ा आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों सूरीनेम का वीजा लेके बाद में आप दूसरी कंट्रियों के अंदर अपना वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा मिलने के चांसेस काफी हाई है। अगर आप किसी और कंट्री का वीजा भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ सूरीनेम का वीजा लेना चाहते, तो आप सूरीनेम का वीजा लेके दोस्तों मैं आपको जो एक रूट टाइप होता है वो भी मैं व्हाट्सएप के ऊपर नंबर के ऊपर जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको वो वाली इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा कि किस टाइप से आप कौन सी एयरलाइन लेके तो आपको किसी ट्रांजिट वीजा की जरूरत ना पड़े सूरीनेम तक। तो आप उस तरफ से दोस्तों वो वाली एयरलाइन लेके आप सूरीनेम में ट्रेवल कर सकते हैं। तो सूरीनेम दोस्तों ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा कंट्री है। और सूरीनेम जाके दोस्तों बाद में आप त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन जो हमें वीजा फ्री कंट्री है, जो इसके साथ साथ छोटी छोटी और भी काफी कंट्री है, इन कंट्रियों में भी दोस्तों जाकर आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो सूरीनेम का वीजा दोस्तों आपको इतना फायदा दे सकता है कि सूरीनेम के साथ साथ जो कैरिबियन कंट्री है दोस्तों वो आप साथ में ट्रेवल कर सकते हैं, जो वीजा फ्री कंट्री है। तो सूरीनेम का वीजा अगर आप लेना चाहते हो, वाकई ही जेन्युइन तरीके से आप लेना चाहते हो,
तो लगता, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के दोस्तों प्रूफ ले आ इकट्ठे कर लेना, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या GST, उससे करंट सेविंग, अगर आप जॉब है तो सैलरी स्लिप, NOC और आपके जिस अकाउंट में दोस्तों सैलरी आती है। अगर आप फिर भी कुछ भी नहीं करते और आप सूरीनेम जाना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना, उसका भी मैं हल आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपनी फाइल लगा सकते हो और कैसे आप अपना वीजा ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन सूरीनेम के लिए, और ऐसी दोस्तों इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।